हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th 12th के लिए और डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करेंगे आज हम। तो प्रोबेबिलिटी जान लेते हैं पहले होता क्या है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी मतलब कहा जाए कि संभावना या फिर चांसेस। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिया का कोई मैच है जिसमें इंडिया के जीतने के चांसेस है 50%। ठीक है, या फिर कहूँ तो आज बारिश होगी, इसके चांसेस हैं 60%, लेट से 60%। तो ये होगी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना। ठीक है, अब कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ आज इंडिया जीतेगी कोई मैच, उसके चांस है 110%। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बोलता हूँ, जैसे आज बारिश होगी, इसके चांसेस है -25%। ऐसा भी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव में नहीं होती और 0 से 100 के बीच होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपना प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी का। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी बिटवीन 0% टू 100%। ठीक है, दैट इज 0% टू, इसको प्रोबेबिलिटी को PE से लिखते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, 100%। इसको अगर एब्सोल्यूट टर्म में लिख लिया जाए तो ये होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी बिटवीन 0 to 100%। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अच्छा अगर इफ आई से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग इज लेट से 60%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग इज हाउ मच? एब्सोल्युटली 40%। ठीक, विनिंग का 60%, तो नॉट विनिंग का 40%। ठीक, तो दूसरा प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे इंडिया जीतेगी, इसके चांसेस PA, कोई इवेंट हो रहा है उसका हैपनिंग, ठीक, प्लस इंडिया नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी तो अपन यूज करेंगे बार। ठीक है, नॉट हैपनिंग के लिए हमेशा बार यूज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1, मीन्स हैपनिंग PA प्लस नॉन हैपनिंग PA बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया मैच जीतेगी, उसके चांसेस है 40%, विनिंग के चांसेस है कितने, 40%, तो हारेगी इसके चांसेस कितने होंगे? तो हारेगी इसके चांसेस, ये मत कहना कि 60%। ठीक है, पहला क्वेश्चन अलग था जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन अलग है, बहुत ही अलग है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था
इंडिया मैच जीतेगी इसके चांसेस है 60% और नहीं जीतेगी इसके चांसेस थे 40%। अभी हमने कहा है कि इंडिया जीतेगी उसके चांसेस है 40%, तो हारने के चांसेस 60% हो गए क्या? नहीं, बट ना जीतना इज इक्वल टू हारना? नहीं, यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास, क्या है? ड्रॉ। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या केसेस हैं? पहला, इंडिया मैच जीतेगी, ठीक है, या तो ड्रॉ होगा या तो हारेगी, ठीक है, और या तो ड्रॉ होगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या कहा? सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हमारे तीन प्रॉपर्टीज हो गए। अब प्रोबेबिलिटी की अगर कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछे तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है हमारा? जैसे किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, पी इवेंट इज इक्वल टू होगा फेवरेबल नंबर ऑफ केस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमने कोई एक कॉइन उछाला है, ठीक है, एक कॉइन उछाला है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? दो, या तो हेड आएगा या तो टेल, ठीक है, दो केसेस हैं। और फेवरेबल नंबर ऑफ केस, अगर मैं कहता हूँ कॉइन उछालता हूँ मैं और आना चाहिए हेड, तो हेड कितने इसमें? एक ही है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? एक हुए, ठीक है। तो अगर मैं एक कॉइन उछालता हूँ तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा हमारा 1/2, जहाँ 1 होगा हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ केस एंड 2 जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज समझे, तीन प्रॉपर्टीज, और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल डेफिनेशन समझा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।